दोस्तों, बांग्लादेश ने इतिहास में पहली बार पाकिस्तान को 2-0 से रौंदकर इतिहास लिख दिया, तो पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक बन गया। यहां तक कि अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर केविन पीटरसन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी शर्मनाक हार पर जो बयान दिए हैं उसे सुनकर तो आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। तो आखिर पाकिस्तान के करारी हार पर क्या कुछ रहा दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उनसे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में कौन दुनिया की नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट टीम है, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतिहास के 150 सालों में सबसे शर्मनाक दिन साबित हुआ, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान से हारा था, तो रावलपिंडी के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान का हाल बुरा ही रहा। पाकिस्तान की दूसरी पारी महज 172 रनों पर सिमट गई है। इसके चलते बांग्लादेश को जीत के लिए दूसरी पारी में 185 रनों का लक्ष्य मिला है। इसका पीछा करते हुए बांग्लादेश ने दिन का खेल खत्म होने तक 42 रन बना भी लिए थे और वो जीत के बेहद ही करीब थे, और ये जीत उनके लिए बेहद स्पेशल थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि नजमुल शांतो की कप्तानी में बांग्लादेश के पास इतिहास लिखने का सुनहरा मौका था। बताते चले कि बांग्लादेश टीम आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी, तभी तो इस जीत का इंतजार उन्हें इतनी बेसब्री से था। आपको बता दें, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश में धुल गया था। उसके बाद विशेष रूप से तेज गेंदबाजों को पिच से बहुत ज्यादा मदद मिली है, जिसके चलते ही बांग्लादेशी इस मैच में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया और इतिहास लिख गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कोई पहली द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज साल 2002 में हुई थी। उसके बाद दोनों टीमों के बीच 6 सीरीज खेली जा चुकी है, लेकिन हर बार पाक टीम विजयी रही है। मौजूदा सीरीज में बांग्लादेश ने पहला मुकाबला 10 विकेट से जीता था। उस भिड़ंत में पाक टीम को 448 रन के स्कोर पर पारी घोषित करना बहुत भारी पड़ा था। उस हार के लिए पाकिस्तान की जमकर आलोचना हुई थी, और जब अब पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच भी बुरी तरीके से हार गया तो केवल पाकिस्तान और इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका मजाक बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी इस चौंका देने वाले चमत्कार के बाद सामने निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो खुद शोएब अख्तर मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। उन्होंने कह दिया कि यह पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे शर्मनाक दिन है। न विदेश में जाकर जीत सकते हैं, न आप घर में जीत सकते। लगातार 10 टेस्ट मैच हो गए लेकिन आप अपने घर में जीत नहीं पाए हैं। इससे शर्मनाक हमारे लिए क्या हो सकता है? पाकिस्तान क्रिकेट का इससे बुरा दौर आज तक नहीं आया है। पता नहीं हम अपने खिलाड़ियों का क्या करें, ना ही उनमें जीत की भूख है ना ही क्वालिटी। अब बांग्लादेश जैसी टीमें हमें हरा रही, इससे बुरा हमारे लिए और क्या ही हो सकता है। तो वहीं केविन पीटरसन का यहां तक कहना है कि मुझे तो सच में हंसी आ रही है, पहला टेस्ट मैच आप खुद डिक्लेयर करके हारे और अब दूसरा टेस्ट मैच भी बांग्लादेश ने इतनी आसानी से जीत लिया। बांग्लादेश को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन पाकिस्तानी टीम यहां पर आप क्रिकेट खेल रहे थे या मजाक कर रहे थे, वो भी अपने घर पर। यदि विदेश में होता तो चलो समझ सकते थे। सच में पाकिस्तान क्रिकेट खेले ना खेले, लेकिन एंटरटेनमेंट में कोई कमी होने नहीं देती है, इसमें तो कोई भी शक नहीं। वहीं दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट का लेवल बहुत ज्यादा गिर चुका है। एक टाइम पर पाकिस्तान अच्छे पेस बॉलर प्रोड्यूस करता था, पाकिस्तान के खिलाफ खेलना मुश्किल होता था, लेकिन अब तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सिर्फ मजाक बनकर रह गई है। ऐसा लगता है कि दुनिया में यदि किसी टीम के खिलाफ जीतना सबसे आसान है तो वो पाकिस्तान है। दुनिया में हर टीम अपने घर में मेहमानों को कड़ी टक्कर देती है, लेकिन पाकिस्तान की टीम तो वो भी नहीं कर पाई। उनके अलावा सचिन तेंदुलकर का कहना है कि बांग्लादेश के लिए हम सभी को काफी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश ने कमाल का क्रिकेट खेला है। पाकिस्तान अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारा है, उनका ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें बहुत भारी पड़ा। वो खुद ही अपनी परिस्थितियों, अपनी ताकत और कमजोरी नहीं समझ पाए, जिसका बांग्लादेश ने बखूबी फायदा उठाया। वेल प्लेड बांग्लादेशी क्रिकेट टीम, ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम का नया सूर्योदय है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का डाउनफॉल भी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ये सभी पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अब आप बांग्लादेश की इस जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। किला पहले टेस्ट मैच के पहले दिन आया रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ऋषभ पंत का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का पहले इंटर स्क्वाड टेस्ट मैच आज रोमांचक तरीके से खेला गया। इस मैच में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से रनों की ऐसी बारिश की जिसके सामने बांग्लादेश टीम का गेंदबाजी विभाग पूरी तरह चकनाचूर हो गया। तो आखिरकार कैसे रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने इस मैच में तहलका मचाया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा तक जरूर देखेगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस दौरान पहला टेस्ट मैच आज पुणे के मैदान पर खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए बांग्लादेश की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान बांग्लादेश की टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत तस्कीन अहमद ने की, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए अब कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी
जायसवाल की सलामी जोड़ी मैदान पर आई, जहां पर दोनों सलामी बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया। इस दौरान पहले ओवर में दोनों ने अपना अपना खाता एक एक रन के साथ खोला और दोनों इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करते रहे। इस दौरान दोनों के बीच बेहतरीन 58 रन की साझेदारी 14 ओवर के अंदर हो गई, लेकिन इस बीच 14 ओवर में इस साझेदारी को तस्कीन अहमद ने तोड़ दिया, जहां पर गेंदबाज तस्कीन अहमद ने यशस्वी जायसवाल को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल को लंबी गेंद डाली, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के कारण बल्लेबाज कैच आउट हो गया और यशस्वी जायसवाल 4 चौके की मदद से 28 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल मैदान पर आए। इस दौरान उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए विरोधी टीम को चारों खाने चित कर दिया। इस बीच रोहित शर्मा के साथ मिलकर इन्होंने टीम को संभाल लिया, जहां पर रोहित शर्मा ने 23 ओवर में छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और बता दिया कि आज वो इसी अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे। तो दूसरी तरफ से शुभमन गिल भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि पहले सत्र का अब खेल समाप्त हो चुका था, जहां पर 30 ओवर के समापन तक भारतीय टीम ने 120 रन एक विकेट खोकर बनाए। तो वहीं दूसरे सत्र का खेल जब प्रारंभ हुआ तो फिर दोनों बल्लेबाज और भी ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जहां पर शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस दौरान 37 ओवर में शुभमन गिल ने लगातार 2 चौके लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं 40 ओवर में रोहित शर्मा ने लगातार 2 बड़े छक्के लगाते हुए अपना शतक पूरा कर लिया और बता दिया कि वो आज इसी तरीके से आगे विरोधी टीम को परेशान करने के लिए मैदान पर तैयार है। लेकिन इस बीच 42 ओवर में शौरिफुल इस्लाम ने कप्तान रोहित शर्मा को बाहर जाती हुई गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा 8 चौके और 4 छक्के की मदद से 108 रन बनाने के बाद कैच आउट कराया गया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए। लेकिन विराट कोहली आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और अब 45 ओवर के अंदर मात्र 3 रन बनाने के बाद हसन महमूद के सामने LBW आउट होते हुए अपना विकेट दे गए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आए, जिन्होंने शुभमन गिल के साथ मैदान पर तहलका मचा दिया। इस बीच शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 57 ओवर के अंदर अपना शतक पूरा कर लिया, तो दूसरी तरफ से ऋषभ पंत भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी के साथ दूसरे सत्र का भी समापन हो गया, जहां पर 130 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारत ने बना दिए और दूसरे सत्र के समापन तक भारतीय टीम ने 250 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए। ऐसे में जब अंतिम सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो अब ऋषभ पंत ने शुभमन गिल के साथ मिलकर तहलका मचाया, लेकिन शुभमन गिल 65 ओवर के अंदर गेंदबाज शाकिब अल हसन के सामने बाहर जाती हुई गेंद पर स्लिप में मौजूद कप्तान नजमुल संतों के हाथों कैच आउट हो गए और शुभमन गिल 11 चौके की मदद से 103 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए KL राहुल मैदान पर आए, जिन्होंने ऋषभ पंत के साथ मिलकर मैदान पर कोहराम मचाया। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बड़ी साझेदारी की, लेकिन ये साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं चली, जहां पर ऋषभ पंत ने 72 ओवर के अंदर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो दूसरी तरफ से KL राहुल भी बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस बीच 78 ओवर के अंदर KL राहुल को मेहंदी हसन के सामने LBW आउट कराया। इस बीच KL राहुल 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 34 रन बनाने के बाद पवेलियन को लौट गए। तब बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आए, जिन्होंने ऋषभ पंत के साथ मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया। लेकिन इस बीच ऋषभ पंत ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 86 ओवर के अंदर लगातार 2 छक्के लगाते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन इस बीच 88 ओवर में ऋषभ पंत भी शतक लगाने के बाद गेंदबाज शाकिब अल हसन के सामने क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन को लौट गए। इस बीच ऋषभ पंत 6 खूबसूरत चौके और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 104 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए, जो अंतिम ओवर के अंदर अब शौरिफुल इस्लाम के सामने शानदार गेंदबाजी के जरिए कॉट एंड बोल्ड होकर पवेलियन को लौट गए। इस दौरान रविचंद्र अश्विन 1 चौके की मदद से 5 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए, तो दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन इसी ओवर के अंदर 4 चौके की मदद से 34 रन बनाकर रनआउट होने के बाद अपना विकेट दे दिया और इसी के साथ अंतिम सत्र के अंदर भारतीय टीम ने 170 रन 5 विकेट खोकर बनाए और इसी के साथ पहले दिन के समापन के साथ भारतीय टीम ने 420 रन 8 विकेट खोकर बनाए और पहले दिन का खेल समाप्त कर दिया, जिसके देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बांग्लादेश टीम के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड, एक ही मैच के अंदर 400 रन ठोक कर रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका चौथा टेस्ट मैच आज खेला गया। इस मैच में रोहित शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा तहलका मचाया जिसके सामने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड भी आसानी से टूट गया। तो आखिरकार कैसे ब्रायन लारा का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी के जरिए तोड़ दिया है, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में उनके तूफानी पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, ब्रायन लारा और विराट कोहली में से कौन है महान बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है,
भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका चौथा टेस्ट मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए श्रीलंका की टीम को आमंत्रित किया था। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है, जहां पर रोहित शर्मा ने मैदान के चारों तरफ छक्के और चौकों की बारिश करते